हेलो एवरीवन, मार्केट यात्रा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट रुक्मिणी साहा। एंड ऑब्वियसली मेरे साथ ज्वाइन करेंगे अमर जी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज म्यूचुअल फंड। एंड हम अमर जी से ही जानेंगे कि व्हाई इज म्यूचुअल फंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट बकेट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। बट बिफोर वी बिगिन, मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक किया है ताकि आप हमारे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेलकम वेलकम अमर जी। थैंक यू रुक्मिणी एंड वेलकम फ्रेंड्स। ओके सो अमर जी, क्योंकि आज हम ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, बिफोर इसके बारे में इन डिटेल हम जाने आपसे, अगर आप थोड़ा समझा देंगे कि ये इसका थोड़ा ओवरव्यू एंड एग्जैक्टली क्या होता है, ये अगर आप थोड़ा अगर हमारे दर्शकों को समझा दे तो। जरूर। तो म्यूचुअल फंड्स जो है आज वर्ल्ड में इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ इन्वेस्टिंग, बिकॉज इसमें आप एक बहुत छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड दैट अमाउंट कैन बी एज लो एज 500 रुपीज ऑल्सो। और म्यूचुअल फंड्स में एक बेनिफिट ये रहता है डाइवर्सिफिकेशन का। तो म्यूचुअल फंड्स इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसमें इन्वेस्टर्स जो हैं वो निवेश करते हैं और जो म्यूचुअल फंड्स फिर उस पैसे को वो पूल करके वो इक्विटीज में, डेट में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गोल्ड में, इन सब में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक काफ़ी बड़ा आज के डेट में वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्ल्ड ओवर एक इंस्ट्रूमेंट और एक एसेट क्लास है, तो कहीं ना कहीं इसे मैनेज करने के लिए भी प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत होती है। तो म्यूचुअल फंड्स को फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं जिनका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहता है फंड मैनेजमेंट में, प्लस दे आर हाईली क्वालिफाइड। और म्यूचुअल फंड्स जो है जो सर्विस ऑफर करती है उसके बदले वो एक फीस चार्ज करते हैं जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें तो आप जरूर ये एक्सपेंस रेशियो को देखिए और उसे कंपेयर कीजिए सिमिलर परफॉर्मिंग फंड से कि जो सिमिलर टाइप ऑफ फंड्स हैं उनकी एक्सपेंस रेशियो क्या है, क्योंकि आपके जो भी एनुअल रिटर्न्स होंगे उससे आपको एक्सपेंस रेशियो जो है वो माइनस करना होगा, तो आपको मतलब लगभग वो रिटर्न्स मिलेगा। तो आप कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट फंड्स की जो सिमिलर परफॉर्मेंस से कंपेयर विद देयर एक्सपेंस रेशियो। Got it. So, Amar ji, how does this exactly like work? कैसे मतलब काम करता है? तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो देर इज अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट कॉल्ड NAV, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। तो सपोज कोई है जो कोई इन्वेस्टर है वो 1000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहता है किसी म्यूचुअल फंड में, और सपोज उस म्यूचुअल फंड का NAV 10 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसे 100 यूनिट्स जो है वो म्यूचुअल फंड के वो बाय कर सकता है। और जब वो उसे बेचना चाहता है, सपोज उस समय NAV 20 हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में वो उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो था वो 1000 रुपीज का था, उसकी वैल्यू अब 2000 हो गई है। तो ये 1000 रुपीज का जो है दैट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल गेन्स। तो म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, और यदि इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड्स है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज रिलेटेड टू द मार्केट परफॉर्मेंस। सो देर कैन बी प्रॉफिट्स एज वेल एज देर कैन बी लॉसेज, ये बात भी समझना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स जब आप उसमें कैपिटल गेंस आता है तो उसमें फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगता है डिपेंडिंग अपॉन योर होल्डिंग पीरियड। नाइस। अच्छा अमर जी, मैं जब अपना मतलब रिसर्च कर रही थी, आई आल्सो केम अक्रॉस द फैक्ट दैट बहुत सारे बकेट्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, राइट? तो अगर ये भी आप थोड़ा अगर हमें समझाएं कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक यू नो म्यूचुअल फंड्स दैट आर देयर। तो म्यूचुअल फंड्स में जनरली टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड और दूसरा होता है क्लोज एंडेड। तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में आप कभी भी उसे उसमें बाय कर सकते हैं, उसमें आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं। सो दैट इज ओपन फॉर एवर। सो आप ओपन एंडेड फंड्स इसे कहते हैं। दूसरा हो गया क्लोज एंडेड फंड्स, जो फॉर अ पीरियड के लिए वो ओपन रहता है, तो आप उसमें निवेश करते हैं और उसके बाद वो फिर स्टॉक एक्सचेंजेस पे उसकी ट्रेडिंग होती है। तो किसी भी स्टॉक की तरह आप फिर उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर रिडीम कर सकते हैं। तो ये तो मेजरली दो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं। लेकिन इनके अलावा म्यूचुअल फंड्स जो हैं उसमें आपके इक्विटी फंड्स होते हैं,
तो इक्विटी फंड्स आर प्योरली इक्विटी, जिनमें आई वुड से इक्विटी इज अ मेजर कंपोनेंट। उसमें भी क्या होता है, लार्ज कैप फंड्स होते हैं जो 80% उनका पोर्टफोलियो जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में रहेगा, जो 1 to 100 जो मार्केट कैप के बेसिस पे रहते हैं उन्हें लार्ज कैप कहते हैं, तो वो एक लार्ज कैप फंड हो गया। उसके बाद मिड कैप फंड्स होते हैं, तो मिड कैप फंड्स में क्या होता है कि ये फंड 65% मिनिमम 65% ऑफ द जो एलोकेशन है वो मिड कैप स्टॉक्स में होगा। तो जो स्टॉक्स फिर 101 से लेकर 250 तक मार्केट कैप में आते हैं वो इस कैटेगरी में आ गए। उसके बाद थर्ड हो गए स्मॉल कैप फंड्स, तो जो फिर जिसमें अगेन जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो 65% से ज्यादा उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप फंड्स में होगी। वो फिर 251 और उसके नीचे जो स्टॉक्स हैं मार्केट कैप के हिसाब से वो क्वालिफाई करते हैं। तो ये तो हो गए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इसके अलावा डेट फंड्स होते हैं जो प्योरली डेट में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा बैलेंस फंड्स होते हैं जो इक्विटी डेट में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल फंड्स होते हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह के काफी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अलग अलग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। Wow, that was very insightful because काफी सारे different types of mutual funds के बारे में पता चला। तो सर ये equity mutual funds में आपने जो हमें समझाया सिर्फ यही है कि इसके अलावा भी कोई और भी कोई categories है? तो इनके अलावा यदि मैं कहूँ तो और भी कुछ categories हैं, जैसे एक तो हो गया मल्टी कैप फंड्स जिसमें लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप ये सब फंड्स को मिला के भी एक फंड बन सकता है, वो भी एक है। इसके अलावा जो आज के रेट में काफ़ी पॉपुलर फंड्स माना जाता है उसे इंडेक्स फंड्स कहते हैं, उसे पैसिव फंड्स भी कहते हैं बिकॉज दे आर नॉट वेरी एक्टिव इन द मार्केट्स। मतलब व्हाट दे डू इज कि ये फंड्स जो हैं वो बेंचमार्क इंडाइसेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करूँ तो निफ्टी या सेंसेक्स, तो इनके रिटर्न्स को ये फंड्स मिरर करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जैसे निफ्टी 50 जो स्टॉक्स है उससे बना हुआ है इंडेक्स, यदि सेंसेक्स की बात करूँ तो वो 30 टॉप स्टॉक से बना हुआ है। तो ये फंड्स जो है इनकी परफॉर्मेंस जो है वो जो बेंचमार्क इंडाइसेस की परफॉर्मेंस से मैच करती है। तो ये एक अच्छा तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। यदि आप बहुत ज़्यादा सपोज एक्टिव नहीं हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे कुछ रिटर्न्स मिले जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में FD और इन्फ्लेशन को बीट करें, तो इंडेक्स फंड्स आर अ गुड वे ऑफ looking at into the market. और आपको हमेशा याद रखना है कि any investment which you do which is market related has both its pluses and minuses. That's something which you have to remember. One, तो ये funds में आज की rate में overall world में trillions of dollars जो हैं वो passive funds और index funds में invested हैं। और India में भी इसकी popularity जो है वो काफी बढ़ी है। इसके अलावा एक और fund है जिसे thematic funds कहते हैं, इसे sectoral funds भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, suppose आप फार्मा सेक्टर की बात करूं या आईटी सेक्टर की बात करूं तो किसी स्पेसिफिक सेक्टर में ये फंड स्पेशलाइज करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि यदि वो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो ये फंड जो है जनरली आप पाएंगे कि बेंचमार्क जो रिटर्न्स हैं इंडेक्स के रिटर्न से बेटर परफॉर्म करता है। पर यदि ये सेक्टर सपोज अच्छा नहीं करता है तो इस केस में इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेंचमार्क इंडाइसेस से कम हो जाती है। बिकॉज जब आप बेंचमार्क इंडेक्स फंड्स में करते हैं तो वो क्या एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनता है जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर भी है, फार्मा सेक्टर भी है, आईटी सेक्टर भी है, मेटल सेक्टर भी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी है। तो अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर से वो डाइवर्सिफाई होता है। लेकिन जब आप सेक्टोरल फंड में आते हैं तो वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करता है। तो ये फंड्स उनके लिए ज़्यादा बेटर हैं, सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स, जो उस सेक्टर को समझते हैं कि उसके प्लसेस क्या हैं माइनसेस क्या हैं, या फिर वो अच्छे तरीके से समझ उन्हें समझाया जाए एंड दे आर ओके विद द रिस्क ऑफ दिस फंड, तो उनके लिए ये काफी सूटेबल है। और इसके अलावा एक और भी फंड है जो इसमें भी काफी लोग फ्रॉम अ टैक्स पर्सपेक्टिव निवेश करते हैं, जिसे ELSS फंड कहते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। तो इसमें होता क्या है कि जनरली इसकी एक लॉक इन पीरियड 3 साल की रहती है और जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अंडर सेक्शन 80C आपको इसमें 1.5 लाख तक का इसमें टैक्स रिबेट मिलता है। तो ये भी एक फंड है जिसमें काफ़ी इन्वेस्टर्स जो हैं वो टैक्स सेविंग पर्पस के लिए इस फंड को देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स जो है वो काफ़ी बड़ा यूनिवर्स है और इसमें अलग अलग तरह के फंड्स हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन
योर रिस्क एपेटाइट, आपकी क्या रिस्क लेने की क्षमता है, आपकी क्या होल्डिंग पीरियड है, आप कितने लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं या आप सेलेक्टेड रहना चाहते हैं या फिर आप डेट का भी एक पोर्शन रखना चाहते हैं, तो उसके लिए बैलेंस फंड्स आप देख सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स इज अ गुड वे ऑफ लुकिंग एट द मार्केट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ये समझना बहुत जरूरी है बिकॉज देन यू कैन सी द पावर ऑफ कंपाउंडिंग हैपन इन द मार्केट्स। ट्रू एंड दैट वाज सो इनसाइटफुल बिकॉज आपने कई तरह के म्यूचुअल फंड्स हमें समझाए एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड इज नॉट जस्ट अबाउट कितने टाइप्स के हैं बट इज ऑल्सो अबाउट वॉट यू आर लुकिंग फॉर। All this together helps you decide कि आपको कौन से में जाना चाहिए, कौन सा investment आपको you know you can look forward to. Thank you so much Amar sir, आपने काफी easily समझाया, मतलब that was very well explained in very simple terms. अब मेरा last सवाल आपसे ये होगा, मतलब जो कि काफी popular सवाल है when it comes to investing, कि mutual funds में हमें SIP करना चाहिए कि हमें long term investment करना चाहिए, ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में रहता है आई एम श्योर, सो अगर आप इसके बारे में भी थोड़ा कुछ सजेशंस हमें दे दे तो। जरूर, ये काफी अहम सवाल है। तो यदि म्यूचुअल फंड्स को आप देखें तो दो ऑप्शंस आपके पास है, एक तो लमसम हो गया जिसमें आप एक बार में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर आप पोर्टफोलियो को होल्ड करते हैं, दूसरा एक हो गया डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टिंग, तो उसमें आप क्या करते हैं, आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट आप मंथली करते हैं या फिर बहुत लोग हैं जो क्वार्टरली भी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आप रेगुलर वे में एक इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसे डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, तो आपको इसके बेनिफिट्स काफ़ी मिलते हैं। ओवरऑल यदि मार्केट्स करेक्ट करता है तो आप जो यूनिट्स बाय कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के वो बढ़ते जाते हैं, तो उसके फायदा ये होता है कि लॉ ऑफ एवरेजेस जो है दैट वर्क्स इन द फेवर ऑफ समवन हु इज डूइंग SIP फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। वहीं यदि आप लमसम एक बार में इन्वेस्ट करते हैं और आप सपोज आपने ऐसा टाइम इन्वेस्ट किया जब मार्केट टॉप पे है और वहां से मार्केट में एक मेजर करेक्शन आ गया, तो फिर आपको काफी समय इंतजार करना पड़ता है मार्केट को वापस बाउंस बैक करके उस लेवल पे आने के लिए। इसीलिए यदि आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ देखते हैं तो यू शुड ऑलवेज लुक एट SIP वन। एंड सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मार्केट बहुत बार क्या होता है, लोग जब मार्केट करेक्ट करता है तो वो SIP बंद कर देते हैं, दैट यू शुड नेवर डू, बिकॉज उससे आपको ही फायदा है क्योंकि आप ज्यादा यूनिट्स उस म्यूचुअल फंड्स के बाय करते हैं और जब वो मार्केट टर्न करता है तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो यू शुड डेफिनेटली लुक एट SIP फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेरी। यस, आई एम श्योर नॉट जस्ट मी अमर सर, दिस क्वेश्चन मस्ट हैव आंसर्ड, दिस आंसर वॉज हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। हमारे दर्शकों के दिमाग में ये सवाल तो मतलब हर किसी के दिमाग में रहता है, एंड दैट वॉज वेरी वेल एक्सप्लेन दैट इफ यू आर लुकिंग एट लॉन्ग टर्म वेल्थ देन SIP इज अ कैन बी अ प्रेफर्ड ऑप्शन। थैंक यू सो मच अमर सर, दैट वॉज रियली रियली हेल्पफुल। थैंक यू सो मच एवरीबडी, आई एम श्योर आज का एपिसोड आपके लिए भी काफी हेल्पफुल रहा होगा। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। आई एम श्योर अमर सर से काफी सारे सवालों के जवाब आपको मिल ही गए होंगे, बट स्टिल इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हो कि हम बात करें, दैट आल्सो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो एंड वी विल गेट बैक टू यू। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन दिस इज मी रुक्मिणी साहा साइनिंग ऑफ। हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.